और सारा परिवार आज आप सबको साहब ने आए हैं। हमारा परिवार मीडिया से इसलिए रूबरू नहीं हुए क्योंकि अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, मगर कुछ दिन पहले हमारे साथ एक वाकया हुआ जिस कारण हमें आज एकत्रित होना पड़ा। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारे साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, तब सिक्योरिटी एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी के साथ रब्ता किया तो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांद नगर में माननीय गृह मंत्री जी के आने का कार्यक्रम 24 अक्टूबर शाम 4:15 से 4:30 बजे का तय किया गया। आप सब भली भांति परिचित हैं कि मेरे पिता तरलोचन सिंह वजीर, जिनका कत्ल 3 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में कैसे निर्मम हत्या की गई, उसी संबंध में हमारा पहले से ही गृह मंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम दिल्ली में बन रहा था, मगर जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी से बात की कि हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते थे और मेमोरेंडम देना चाहते थे कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को बोले कि जल्द से जल्द चौथे मुजरिम को पकड़ें और जो साजिशकर्ता हैं इस हत्याकांड के वो जल्द से जल्द बेनकाब हों। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तमाम संस्थाओं ने मिलकर एक आवाज़ में तरलोचन सिंह वजीर जी के हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की श्री अमित शाह जी से गुहार लगाने की मंशा जाहिर की और सबने मिलकर एक मेमोरेंडम तैयार किया। फिर अचानक 23 अक्टूबर शाम 7 बजे जनरल सेक्रेटरी को पता चला कि श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम डिगियाना आश्रम गुरुद्वारा साहिब आने का बन गया, तो हम सब मिलकर 24 अक्टूबर को सुबह महंत मंजीत सिंह जी जो कि वहां के मुखी हैं उनसे मुलाकात की और श्री अमित शाह जी से मिलने की और उनके मेमोरेंडम देने की बात की। उन्होंने बोला कि श्री अमित शाह जी से हम मिलवा देंगे और मेमोरेंडम में तरलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में जो साजिश करता है उनको बेनकाब करने का आग्रह भी करेंगे।